हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सएप विद टेलीग्राम के फ्यूचर कंपैरिजन के बारे में। क्यों टेलीग्राम के फ्यूचर व्हाट्सएप से बेहतर है? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे। चलिए शुरू करते हैं। फाइल साइज लिमिटेड। व्हाट्सएप के अंदर आप मैक्सिमम 100 MB तक कोई चीज भेज सकते हैं, चाहे वीडियोस, डॉक्यूमेंट कुछ भी हो। बट टेलीग्राम के अंदर आप मैक्सिमम 2 GB तक डेटा भेज सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि आप टेलीग्राम के अंदर खुद का चैनल क्रिएट कर सकते हैं और चैनल के जरिए पैसे भी कमा सकते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो टेलीग्राम के बारे में आएगी। A to Z में टेलीग्राम के बताऊंगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक फ्यूचर के बारे में बताऊंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट डिफरेंस, ग्रुप एड मेंबर्स। व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर मैक्सिमम 256 लोगों को ऐड कर सकते हैं, बट टेलीग्राम के अंदर आप 2 लाख मेंबर ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है टेलीग्राम के लिए। नेक्स्ट कंप्रेस, व्हाट्सएप के अंदर जो भी आप डेटा, फोटो, वीडियो वगैरह वगैरह भेजते हैं वो कंप्रेस होकर जाता है, जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है। बट टेलीग्राम के अंदर आप किसी को फोटो वीडियो भेजते हैं तो उसको आप कंप्रेस करके भी भेज सकते हैं और नहीं भी, ये आपकी मर्जी है। ये फीचर आप टेलीग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्टेक्ट व्यू, अगर आप व्हाट्सएप में किसी को मैसेज करना है या फिर किसी को ढूंढना है तो उसके लिए आपको पास उसका नंबर होना चाहिए, जिसके नंबर को सेव करोगे तो तब ही आप व्हाट्सएप का कॉन्टेक्ट में उस यूजर का कॉन्टेक्ट नंबर आएगा, व्हाट्सएप अकाउंट शो करेगा। लेकिन दोस्तों टेलीग्राम में ऐसा नहीं है। टेलीग्राम में अगर आपके पास फोन नंबर है तो आप फोन नंबर की मदद से भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी को फोन नंबर नहीं देना चाहते हो, उसकी जगह पे आप यूजर आईडी देते हैं तो यूजर आईडी की मदद से भी आप टेलीग्राम के यूजर को ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पर आपको बिना किसी को अपना फोन नंबर दिए टेलीग्राम पर ऐड कर सकते हो, किसी को मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट है ग्रुप वॉइस कॉल। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप एक टाइम मैक्सिमम 8 बंदों को वॉइस कॉल कर सकते हैं, बट टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप एक टाइम 1000 मतलब 1000 बंदों को कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई अकाउंट। व्हाट्सएप ओनली 1 अकाउंट यूज। व्हाट्सएप में बस आप एक अकाउंट यूज कर सकते हैं, बट आप टेलीग्राम के अंदर 2 अकाउंट यूज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है टेलीग्राम के अंदर। नेक्स्ट है स्टेटस फ्यूचर। व्हाट्सएप पर आपको स्टेटस फ्यूचर मिलता है, जिसकी मदद से आप अपने फ्रेंड फैमिली को अपडेट कर सकते हैं स्टेटस के जरिए से, जो आप सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड और फैमिली देख सकते हैं जिनके आपने कॉन्टेक्ट नंबर सेव किए होंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो स्टेटस फीचर है आपको टेलीग्राम में नहीं मिलता। नेक्स्ट डिफरेंस है ग्रुप वीडियो कॉल। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको मैक्सिमम ऑल लोगों को कॉल कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये ग्रुप वीडियो कॉल वाला फीचर टेलीग्राम के अंदर नहीं मिलता। व्हाट्सएप यूज एंड टू एंड इनक्रिप्शन एवरीवेयर, मतलब एंड टू एंड इनक्रिप्शन का आपको कोई भी मैसेज भेज रहा है किसी, या तो वो पढ़ पाएगा या आप जिसको भेज रहे हैं वो पढ़ पाएगा। अभी आप सोचेंगे ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, मैसेज व्हाट्सएप मैसेज जो है ये तो सिर्फ पर्सनल कन्वर्सेशन के लिए ही है, और उसको हम भेज रहे हैं हम पढ़ सकते हैं और जिसको भेज रहे हैं वो पढ़ सकता है, राइट? नहीं, क्योंकि आपको पता है जो इंटरनेट से चीजें भेजते हैं या रिसीव करते हैं, ये स्मॉल पैकेट जिन्हें हम डेटा पैकेट बोलते हैं उनको थ्रू जाती है। तो अगर आपके डेटा पैकेट कोई कैप्चर कर ले तो भेजे हुई इंफॉर्मेशन या रिसीव की हुई इंफॉर्मेशन को वो रिकवरी कर सका है। दूसरी बात व्हाट्सएप जिनके आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उनके पास कोई ऐसा सिस्टम तो जरूर होगा कि हमारे सॉफ्टवेयर से के भेज रहे हैं, सॉफ्टवेयर से क्या भेज रहे हैं, क्या रिसीव किया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं तक प्राइवेसी ठीक नहीं, मतलब ये दो पार्टी है,
मोबाइल ऑपरेटर है और व्हाट्सएप खुद कंपनी है, अगर ये आपकी चीजें पर सकते हैं या बहुत लोग व्हाट्सएप यूज करना नहीं चाहेंगे। काफी लोग ऐसी प्राइवेट चीजें शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो चाहते हैं कि किसी के हाथ ना लगे, तो ऐसे लोग व्हाट्सएप को छोड़ देंगे, उनकी मार्केट कम हो जाएगी गाइज, उनको लोग कम यूज करेंगे, यूज करना कम कर देंगे। इसको तो चाहते हुए व्हाट्सएप ने एंड टू एंड इंक्रिप्शन निकाला, मतलब आप जो मैसेज टाइप करके सेंड करेंगे वो इंक्रिप्शन हो जाएगा, मतलब एक अलग कोड में बदल जाएगा जिसको बीच में कोई नहीं पढ़ सका। वो कोड व्हाट्सएप दूसरे जिनको दूसरी पार्टी को वही वहाँ पे जाकर डिक्रिप्शन हो जाएगा होगा, दोबारा मैसेज में बदल जाएगा। यहाँ से आप टाइप किया मैसेज को इंग्लिश में हेलो लिखे मान लें, वो हेलो बीच में इंक्रिप्शन हो जाएगा, एक अलग कोडिंग लैंग्वेज में मशीन जुबान में बदल जाएगा और वो दूसरे पार्टी के पास जाकर दोबारा इंग्लिश में बदल जाएगा। मतलब जिस दौरान वो ट्रेवल कर रहा है वो इंक्रिप्शन मैसेज, मतलब यही आप भेजेंगे इंक्रिप्शन होगा, फिर वहाँ वो डिक्रिप्शन होगा। तो बीच पार्टी चाहे वो आप टेलीग्राम ऑपरेटर हो या व्हाट्सएप खुद हो, आपका मैसेज नहीं पढ़ सका। अभी आपको समझ लग गई होगी एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होती है। ऐसे आपकी वीडियो कॉल, वॉइस कॉल भी इंक्रिप्शन होती है। कुछ टाइम पहले व्हाट्सएप की न्यू पॉलिसी आई थी, उसमें व्हाट्सएप डेटा फेसबुक को लेगा। आज मैं बताऊंगा आप क्या डेटा फेसबुक लेगा। आपका नाम, नंबर, लोकेशन, बैटरी, कौन सा ब्राउजर यूज करते हैं, इसमें सिम किस कंपनी की है, नेटवर्क कैसे आता है और आपकी आईपी एड्रेस, ये सब चीजें व्हाट्सएप फेसबुक के साथ शेयर करेगा। आपको कोई प्राइवेट डेटा शेयर नहीं करेगा व्हाट्सएप, जैसे कि मैसेज, वीडियोस, कॉल, कुछ भी आपका शेयर नहीं करेगा। कुछ गलत लोगों या यूट्यूबर की वजह से गलत इंफॉर्मेशन दी गई है, बस कुछ व्यू की वजह से गलत इंफॉर्मेशन दी है। ऐसे तो हमारे दूसरी एप्स भी डेटा लेती है, जैसे यूट्यूब वगैरह। भी हम टेलीग्राम की बात करते हैं, टेलीग्राम के अंदर एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं होती, अगर टेलीग्राम वाले चाहें तो आपके मैसेज पढ़ सकते हैं, बट टेलीग्राम के अंदर आपको सीक्रेट चैट का फीचर, सीक्रेट चैट का फंक्शन मिल जाता है। आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपकी हर चीजें एंड टू एंड इंक्रिप्शन हो जाएगी, जैसे व्हाट्सएप की होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।